मैं प्रताप चंद्र षडंगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 58 नव निर्वाचित सांसदों के साथ नए केंद्रीय मंत्रिमंडल की शपथ ली तो राष्ट्रपति भवन का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से सबसे ज्यादा तब गूंजा जब सादे कपड़ों में एक व्यक्ति ने अपने पद के लिए शपथ ली। ये व्यक्ति है ओडिशा से भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी, जिन्हें ओडिशा के मोदी के नाम से भी जाना जाता है। कभी भिक्षु बनने की चाह रखने वाले सारंगी को मोदी सरकार में दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन आजकल मीडिया द्वारा एक खबर लगातार फैलाई जा रही है कि प्रताप चंद्र सारंगी पर 7 क्रिमिनल केस चल रहे हैं। एजेंडा मीडिया द्वारा प्रताप चंद्र जी की सभी को धूमिल करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, जहां एक तरफ उनकी इस सादगी को देखकर पूरा देश उनका कायल हो गया है, वहीं देश के लेफ्ट लिबरल मीडिया को अब इनकी सादगी भी खटक रही है। लेफ्ट लिबरल ने थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद प्रताप सारंगी के विरुद्ध दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। आइए जानते हैं। आपको ज्ञात होगा कि सन 2002 में इसी लिबरल मीडिया ने मोदी जी का दुष्प्रचार करने में पूरा जोर लगा दिया था। ऐसे में जब इस बार प्रताप चंद्र सारंगी को प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिली तो लेफ्ट लिबरल खेमा सक्रिय हो गया और उन्हें निशाना बनाने लगा। अक्सर साइकिल से चलने वाले प्रताप सारंगी अपने चुनाव प्रचार के लिए ऑटो रिक्शा को किराए पर लेने के लिए भी विख्यात है। सारंगी लंबे समय तक आरएसएस से जुड़े रहे हैं और लोकसभा चुनाव 2019 में वो ओडिशा के बालासोर से पहली बार सांसद चुनकर आए हैं। उन्होंने बालासोर संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रविंद्र कुमार जैना को 12,956 मतों से हराया है। तथाकथित पत्रकार राणा अयूब ने प्रताप चंद्र सारंगी के खिलाफ ग्राहम एस्टेट मामले के संबंध में कुछ गंभीर सवाल उठाने का प्रयास किया। राणा अयूब के समर्थन में विवादित पत्रकार निखिल वागले ने भी प्रताप सारंगी के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए यह ट्वीट किया। द वायर ने भी अपना फर्ज अदा करते हुए प्रताप चंद्र सारंगी को अप्रत्यक्ष रूप से दोषी करार देते हुए एक पूरा लेख ही छाप दिया। इनके सुर में सुर बजाते हुए कांग्रेसी मुखपत्र नेशनल हेराल्ड ने भी प्रताप चंद्र सारंगी को कटघरे में खड़ा करते हुए एक लेख प्रकाशित किया। लिबरल गैंग द्वारा इतना बखेड़ा खड़ा करने के बावजूद जब बात सच्चाई की आती है तो सारंगी ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया है कि उनके ऊपर कुल 7 क्रिमिनल केस चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर चल रहे सभी केस झूठ पर आधारित है और पुलिस ने यह केस इसलिए दायर किए हैं क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा रहा हूँ। मैंने इसके खिलाफ गंभीरता से लड़ाई की है। मैंने समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। इस वजह से मैं भ्रष्ट अधिकारियों की नजर में उनका दुश्मन बन गया। इस वजह से सभी असामाजिक तत्व मेरे खिलाफ खड़े हैं। कई केस में मैं बरी हो चुका हूं। आने वाले समय में बाकी सभी केसों से आरोप मुक्त कर दिया जाऊंगा। तो प्रताप चंद्र सारंगी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनके ऊपर जो केस लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार है, लेकिन लेफ्ट लिबरल गैंग को बगैर सबूतों के बगैर तथ्यों के उनकी छवि को धूमिल करने का एक मौका मिल गया है, इसलिए वे जी जान से लगे हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है प्रताप चंद्र सारंगी जी के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल अपना इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।